ना धीरता ना रे कहाँ गए अर्जुन? जूस ही तो लेने गए थे। सॉरी 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 आई एम सो सॉरी। ये तो वही कुर्ता है जो शगुन में मैंने अर्जुन के लिए लिया था। इसका मतलब हमारे भेजे हुए शगुन के कपड़े अग्निहोत्री परिवार के नौकरों ने पहने हैं। मैम आप कुछ लेंगी कवरिंग? नो थैंक यू। पाउची से पूछती हूँ। अरे विशाल बाबू मैं कब से देख रहा हूँ आप तो कुछ खेल ही रहे हो। नहीं नहीं राघव काका ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैं ये सब कभी पहले खेला नहीं हूँ ना तो अभी सबको देख के सीखने की कोशिश कर रहा था। अब हाँ अब खेलता हूँ ना। अरे विशाल जी आपने पहले नहीं बताया मैं सिखाता हूँ ना आपको। आइए इस गेम को कहते हैं रूलेट। ये हैं आपके काउंटर्स। अब मैं बताता हूँ इसे खेलते कैसे हैं। आपका लकी नंबर कौन सा है? 3। ओके आप ये स्पिन करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। रेडी लेट्स स्टार्ट। यस अर्जुन ने तो शुरुआत से ही आपको जीत दिलवा दी। विशाल नहीं नहीं चाहता जी ऐसी बात नहीं है वो तो विशाल जी की किस्मत जोरों पे है। चलिए एंजॉय सर। विशाल बाबू आज पार्टी देंगे। वैसे 3 नंबर मेरा भी लगती है। विशाल बाबू काश हमारी आपकी भी किस्मत अर्जुन जी जैसी होती। अरे विनोद जी मैं आपको अपने खास मेहमानों से मिलाना तो भूल ही गया। ये है मिस्टर केरकर। हेलो मिस्टर रेड्डी। हेलो ये हमारे समधी हैं मिस्टर विनोद वाजपेयी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिफैक्ट्स का बिजनेस है इनका। वैसे ये ज्यादा पार्टियों में नजर नहीं आते क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और घरेलू किस्म के इंसान है। बहुत जल्दी आए हैं आप लोग। आई एम सॉरी सर वो चार आप मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि मेरे इंटरनेशनल गेस्ट को आप लोग घुमा सकें लेकिन आप लोगों के देर से आने की वजह से मुझे उस होटल की गाड़ियाँ हायर करनी पड़ी। सर वो हमारी टिकट कंफर्म नहीं थी और हमने पूरे पैसे दिए लेकिन वो साफ साफ मुकर गए। इतना ही नहीं सर उन्होंने कोई सीट भी नहीं दी पैसे वापस भी नहीं किए और सर किसी अनजान स्टेशन पर हमें उतरवा दिया। ये गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह इनकी जाति ऐसी होती है ये पैसे लेकर भी बराबर काम नहीं करते। ऐसी बात नहीं है हाथ की 5 उंगलियों की तरह दुनिया का हर शख्स एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें अपनी ईमानदारी की वजह से सरकार से इनाम मिला है। इनाम? रिलैक्स मिस्टर वाजपेयी का नाम सुनकर तो आप ऐसे रिएक्ट करने लगे जैसे कि आपके खानदान में कोई पाजी। हे भगवान लगता है लक्ष्मी ने सब सुन लिया। अब क्या होगा? मैं
एक मिनट में आता। ये सब क्या है बाबूजी? और आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अच्छा तुम क्या कह रही हो? वो देखिए बाबूजी, वो कुर्ता मैंने शगुन में अर्जुन के लिए लिया था और अग्निहोत्री परिवार ने अपने नौकर को पहना दिया। इतना ही नहीं बाबूजी, हमारे दिए हुए सारे शगुन के कपड़े यहाँ नौकरों ने पहने हुए। यकीन नहीं आता ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे ससुराल वाले। एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने ये सब करने से पहले। कितने प्यार से हमने एक एक चीज सबके लिए चुनी थी और अपने हाथों से सजा धजा कर पैक भी किया, इसलिए कि वो उठाकर उसे अपने नौकरों को दे दे। ये ठीक नहीं किया मेरे ससुराल वालों ने। बहुत नाराज हूं मैं, अभी के अभी उनसे बात करने जा रही हूँ। बेटा एक मिनट रुक, शांत हो जा, जल्दबाजी मत कर। क्या हुआ बाबूजी? लक्ष्मी सब कुछ ठीक तो है ना? सरस्वती, वो शगुन के कपड़े अग्निहोत्री परिवार के नौकरों ने पहने हुए, इसे देख लिया। और अब मुझे जवाब चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? हजारों में मेहमान शादी में आए होंगे और सैकड़ों तोहफे के डब्बे भी आए होंगे, और ये सब को संभालना कोई आसान काम तो नहीं। हो सकता है कि शगुन के तोहफे भी इधर के उधर हो गए होंगे। बाबूजी ठीक कह रहे हैं लक्ष्मी, याद कर मेरी शादी में तो 100 लोग भी नहीं आए थे, फिर भी 10 लोगों के बढ़ जाने पर कैटलर ने कितना परेशान किया था। फिर तेरी शादी में तो 10 गुना लोग आ रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी ऊंच नीच होना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना बाबूजी? अर्जुन का कुर्ता उन्होंने किसी और को बना दिया और इसे आप छोटी बात कह दी। पता है कितनी दुकानें घूमकर मैंने उसके लिए ये कुर्ता पसंद किया था। मैं नहीं मानती दीदी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी शगुन के सामान के साथ। आप ही बताइए, अगर उनका दिया हुआ शगुन हम किसी और को पहना दें तो क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी? अच्छा उनकी गलती से तुझे बुरा लगा तो तू सबके सामने जाके अपने ससुराल वालों को उनकी गलती समझाएगी? सोच लक्ष्मी, कितनी शर्मिंदगी होगी उन्हें। इतने सारे मेहमानों के सामने तू अपने ससुराल वालों का अपमान कराना चाहती है? नहीं दीदी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं। बेटा अग्निहोत्री और वाजपेयी परिवार एक होने जा रहा है, अपनों को उनकी गलतियों का एहसास नहीं दिलाया जाता बल्कि उनकी गलतियों को मुस्कुराकर भुला दिया जाता है। और ये तो कुर्ते की बात है, शादी के बाद तो तुम्हें अर्जुन की सारी शॉपिंग करनी है। एक कुर्ता भूल कर किसी ने पहन लिया, इस बात को अपने मन में नहीं बिठाना है, वरना पता चले जिस बेचारे ने ये कुर्ता पहना था उसका कुर्ता ही फट गया। आप ही ना बाबूजी, कुछ भी बोलते हो। देखा तूने अपने बाबूजी को, तेरा गुस्सा छू मंतर हो गया। अब कुर्ता भूल के लक्ष्मी अपनी और अर्जुन की शादी और आने वाली ढेर सारी खुशियों के बारे में सोचेगी। वो देख, अर्जुन जी का नाम लिया और अर्जुन जी आ गए। लगता है तुझे ही ढूंढ रहे, जा। अच्छा हुआ कि सबसे पहले मैंने ये बात आपसे कर ली, वरना गुस्से में ना जाने मैं सासू माँ और ससुर जी को क्या क्या कह देती। थैंक यू बाबूजी, आप हमेशा सही होते हैं और ना जाने कैसे मुझे भी समझा लेते। इस बार तो तुमने और बाबूजी ने लक्ष्मी को झूठ बोलकर मना लिया, लेकिन तब क्या होगा सरस्वती? जब लक्ष्मी का यह भ्रम टूटेगा, जब उसे पता चलेगा कि शगुन के कपड़े जानबूझकर नौकरों को पहनाए गए,
और ये कि उसके बाबूजी हमेशा सही फैसले नहीं लेते। विशाल जी, लक्ष्मी और मैं दोनों किसी भ्रम में नहीं है, और हम दोनों को पूरा यकीन है कि हमारे बाबूजी जो कुछ करेंगे सही करेंगे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही है। आखिरकार तुम्हारे आदर्शवादी पिता को अग्निहोत्री परिवार की दौलत ने झुका ही दिया। नहीं नहीं विशाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों? प्लीज सरस्वती, कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलो। आज तक मैं तुम्हारे पिता की ईमानदारी की कदर करता था, सोचता था कि हमारी सोच एक जैसी, आदर्श मानता था मैं उन्हें। और हमारी शादी होने का बहुत बड़ा कारण ये भी था। राज, आज मेरी गलतफहमी भी दूर हो गई। विशाल जी, आप बाऊजी के बारे में जो कुछ सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। बाऊजी तो सिर्फ लक्ष्मी की खुशी के लिए। अगर वो सच में लक्ष्मी की खुशी चाहते ना सरस्वती, तो उसे सब कुछ साफ साफ बता देते। उसे बता देते कि अग्निहोत्री परिवार ने वाजपेयी परिवार को उनकी गरीबी का एहसास दिलाने के लिए जानबूझकर शगुन के कपड़े अपने नौकरों को पहनाए। वैसा बोलता है सच, इसलिए तो तुम्हारे बाबूजी चुप हो गए। आखिरकार अग्निहोत्री परिवार की दौलत ने तुम्हारे बाबूजी के आत्मसम्मान को खरीद ही लिया। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे बहन, जल्दी जल्दी मेहंदी लगाओ, हमको भी तो मेहंदी लगवानी है। हाँ हाँ, दो चार घंटे नहीं रखी तो रंग कैसे चढ़ेगा। और तो ये लो। अरे लड़कियों, नाचती रहोगी कि मेहंदी भी लगवाओगी? अरे बुआ, जो मजा नाचने में वो मेहंदी लगवाने में कहाँ। मैं तो कहती हूँ कि आप भी सब कुछ छोड़ो, चलो हमारे साथ डांस करने। अरे नहीं नहीं पापा, मुझे बहुत काम है। अरे वैसे भी आजकल तो टैटू मेहंदी का जमाना है। और नहीं तो क्या, कौन दिन भर हाथों में मेहंदी लगवा के बैठे। चलो ना बुआ, डांस करते हैं। अरे नहीं नहीं छोड़ो, हम ही कर लेते हैं। चलो तुम जो जाओ, चलो। चलो सहेलियों। यही तो प्रॉब्लम है आजकल के लड़कों में। हर गोरा लड़का अपने आप को ऋतिक रोशन समझ के डांस करने निकल पड़ता है। चलो छोड़ो यार, अब तो डांस का भी मूड नहीं रहा। चलो मेहंदी लगवाते हैं। चलो 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 चलो। लक्ष्मी दीदी, क्या आपने मेहंदी लगाने से पहले नीलगिरी का तेल लगाया? उससे मेहंदी का रंग अच्छा चढ़ता है। अरे नहीं लगाया। तू कितनी बेवकूफ है ना, अब बता रही है। इसका मतलब मेरी मेहंदी का रंग नहीं चढ़ेगा? अगर मेहंदी का रंग नहीं चढ़ा तो इसका मतलब ये होगा कि जीजू आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। कान खींच लेना उनके। कान जरूर खींचूंगी, लेकिन उनके नहीं तेरे। बस मेहंदी उतरने की देर है। और अगर प्यार नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, करवा लेंगे। अच्छा वो कैसे? बहुत सिंपल है दीदी। देखो, मेहंदी लगने के बाद उसे किसी गैस या सिगड़ी पे सेक करके गर्म कर लेना। ऐसा रंग चढ़ेगा कि साबुन की टिकिया से घिस घिस के निकालोगी ना, फिर भी नहीं निकलेगा। देखो लक्ष्मी दीदी के हाथों पे जीजू का नाम बड़े छुपा कर लिखना। बड़े तेज हैं हमारे जीजू, तभी तो हमारी हीरे जैसी दीदी को चुरा के ले जा रहे हैं। लक्ष्मी, वैसे दुल्हन की मेहंदी में दुल्हे का नाम छुपाने की भी एक रस्म होती है। अच्छा बताओ ना दीदी। अगर अर्जुन जी ने अपना छुपा नाम तेरी मेहंदी से ढूंढ लिया
तो जिंदगी पर तुझ पे राज करेंगे। और अगर नहीं ढूंढ पाए तो बेचारे जिंदगी पर तेरा हुक्म मानते रहेंगे। ना धीरता ना रे।